नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेक। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। कई जिला प्रभावित हो रहे हैं। 3000 को पार कर चुकी है पॉजिटिव की संख्या। अगर पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 3038 पॉजिटिव की संख्या बिहार में हो गई है। उधर WHO ने स्पष्ट कर दिया है कि 2021 तक कोरोना के शिकार लोग होते रहेंगे, कोरोना से लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं है। बिहार के अहमदाबाद की महिला एक वर्षीय बच्चे को लेकर श्रमिक ट्रेन से आ रही थी, लेकिन भूख और प्यास और तबीयत खराब होने से ट्रेन में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार कर रख दी गई। चादर से ढकी महिला को छोटे से बच्चे चादर घींच कर उठाने का प्रयास करते रहे, यह देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। बाद में प्रशासन ने उस लाश को बच्चे के साथ अहमदाबाद एम्बुलेंस से भेजने का प्रयास किया। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, लोग अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच तेज आंधी और बारिश के कारण बांका और लखीसराय को काफी क्षति हुआ और दो घरों पर पेड़ गिर गई, जिसके कारण दो लोगों की मृत्यु बांका और लखीसराय में हो गई। साथ ही साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हुआ। कटिहार जिले के बारसोई इलाके में तेज आंधी और बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मधेपुरा रेल इंजन बनाने के कारखाना से 4 AC विद्युत रेल इंजन का निर्माण करके यूपी सहारनपुर के लिए रवाना कर दिया गया। आपको पता हो कि जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने मधेपुरा के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए गंभीरता से काम किया और मधेपुरा में रेल इंजन बनाने के कारखाना की स्थापना की। आज वही स्थापना, वही रेल इंजन एसी विद्युत ताकतवर रेल इंजन को बनाकर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लायक बनाकर सहारनपुर यूपी के लिए रवाना कर दिया। यह बड़ी उपलब्धि लालू प्रसाद यादव की है। मधेपुरा जैसे क्षेत्र में रेल इंजन कारखाना लगाकर उन्होंने वहां के लोगों के विकास को देखते हुए विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जो सराहनीय है। ज्योति कुमारी जो अपने पिता को हरियाणा गुरुग्राम से लेकर साइकिल चलाकर दरभंगा पहुंची, अब ज्योति के इस साहसिक कदम को देखते हुए विनोद कापड़ी नामक निर्माता फिल्म बनाने जा रहे हैं और फिल्म बनाने के लिए 51,000 रुपया ज्योति के पिता को देकर अनुबंध पर साइन कराया और फिल्म बनेगी और भी पैसे मिलेंगे। चारों ओर ज्योति की प्रशंसा हो रही है। डाक टिकट भी निकाले जाने की बात कही गई है। मैट्रिक परीक्षार्थी को अगर अपने कॉपी में नंबर कम है और उसे नंबर फिर से आकलन करवाना है तो उसके लिए वो आवेदन ऑनलाइन बच्चे कर सकते हैं, यह बताया गया। हिमांशु राज जो 96% से अधिक नंबर लाकर बिहार टॉपर बना, एक सब्जी विक्रेता का पुत्र, उस युवक बच्चे से बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने मोबाइल फोन से बात करा और उसे साहस दिया और उसे मदद की बात कही और साथ ही साथ कहा कि जब कोई किसी तरह का दिक्कत हो तो गुप्तेश्वर पांडे DGP को वे बच्चे मोबाइल फोन पर आराम से फोन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने बढ़ते बीमारी को देखते हुए कई सरकारी भवन और व्यवसायिक भवनों में
आइसोलेशन वार्ड बनाने की आदेश जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीमारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बनाना अति आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा ताकत वाली मशीन को भी बिहार में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या आ गई है। अब अधिक से अधिक लोगों का जांच किया जाएगा कि कोरोना पीड़ित की संख्या का पता चले। बिहार में कोरोना पीड़ित की 15वीं मौत हो गई। 15 मौत 15वीं इस बात से कि एक व्यक्ति की मृत्यु कल हो गई जो जहानाबाद के थे और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। 15वां मौत बिहार में हो चुकी है। खगड़िया के 2, मुंगेर के 2, पटना के, जहानाबाद के, अन्य जिला मिलाकर 15 मृत्यु हो चुकी है। पूरे भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेज हो रही है। श्रमिक ट्रेन दूसरे प्रदेशों से लेट लतीफ 30-30 घंटा लेट चलने के कारण 4 श्रमिकों की मृत्यु ट्रेन में हो गई। ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जिनकी मृत्यु ट्रेनों में हो जा रही है। अभी भी दूसरे प्रदेश से बिहार आने वाले श्रमिकों की तांता लगी हुई है। श्रमिक पैदल भी चल पड़ते हैं ट्रेन नहीं मिलने से। प्रशासन उसे रोकती है और आश्वासन देती है कि आपको ट्रेन के माध्यम से भेजा जाएगा, आप इस तरह का कदम न उठावें। तो मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे भारत में। उधर तेजस्वी यादव फागू चौहान राज्यपाल से मिलकर ट्रिपल मर्डर केस पर हस्तक्षेप करने की बात कही और बिहार सरकार को इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग किया। सुशील कुमार मोदी या नीतीश कुमार या जदयू के कोई भी नेतागण जेपी यादव परिवार की हत्या कांड में शामिल विधायक के खिलाफ या परिजन के खिलाफ या जेपी यादव के पक्ष में एक बूंद भी आंसू बहाने का काम नहीं किया, जो बिहार के आम लोगों को काफी तकलीफ है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना पीड़ित व्यक्ति की इलाज हो रही है, बच भी रहे हैं लोग, मर भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। आपको स्वस्थ रहना है, नियमों का पालन करना है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।